हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीपी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, रेलवे में और होंगी 95,000 पदों पर भर्ती। जी हाँ, और 95,000 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें ASM, TC और गुड्स गार्ड के पद सम्मिलित हैं दोस्तों। और 15 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, 15 दिसंबर से हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि सारी अपडेट आप सभी तक पहुंच जाया करेंगी सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक भी करना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, रेलवे न्यूज़ 2018। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में नौकरी के लिए उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरी न्यूज़। ग्रुप सी और डी के 89,000 पोस्ट पर भर्ती पूरी कराने के बाद रेलवे 2018 में एक बार फिर 60,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अधिसूचना निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तुम्हारी रेलवे ALP और ग्रुप डी की जो यहाँ पर भर्ती चल रही है दोस्तों, उसके तुरंत बाद 60,000 पदों पर भर्ती और निकलेगी। तो यहाँ पर और सारी बातें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2018 में 1.5 लाख पोस्ट पद रिक्ति शुरुआत कराने का ऐलान किया था। रेलवे समूह सी के सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के 26,502 पद, जैसा कि वे चल रहे हैं इस टाइम, और डी के 62,907 पद, कुल 89,409 के लिए अधिसूचना निकाली है। पूरे भारत की पूरी होने के बाद गुड्स गार्ड, TC, आरक्षण क्लर्क, वाणिज्य क्लर्क आदि के 60,000 से ज़्यादा पदों को निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो पहले मैं बता दूं, ये जो 26,000 थी इन्हें अब 64,000 कर दिया गया था। तो अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो 1,25,000 के समथिंग बैठ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके तुरंत बाद 60,000 पदों पर और भर्ती होनी है। तो रेलवे TC भर्ती अगर हम बात करें, रेलवे इज़ गोइंग टू रिक्वायर्ड 60,000 पोस्ट, दैट इंक्लूड टिकट कलेक्टर, गुड्स गार्ड के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। जी हाँ, जो 60,000 पद रहने वाले हैं वो टिकट कलेक्टर और गुड्स गार्ड के रहने वाले हैं। इसीलिए नई और नवीनतम RRB TC विज्ञापन और RRB गुड्स गार्ड रिटायरमेंट भर्ती विवरण प्राप्त करने के लिए आवेदक इस वेब पेज से जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो सारी बातें यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय रेल ट्रेनों में टिकट चेकिंग की नई व्यवस्था लागू करने के विचार कर रही है। इसमें टिकट जाँचने का काम TTE के बजाय दूसरे कार्यों से जुड़ी महिला कर्मचारियों और रिजर्वेशन क्लर्कों को सौंपा जाएगा। ऐसे में ट्रेनों में TTE की कमी के मद्देनजर किया जा रहा है। जी हाँ, इसलिए भर्ती निकाली जा रही है दोस्तों। और ASM की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों, TC यानी टिकट कलेक्टर की जो, और गुड्स गार्ड की GDS टोटल जो निकल रही है 60,000 निकल रही है दोस्तों। अब बात आ गई यहाँ पर ASM की, ठीक है दोस्तों। तो ASM की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ वैकेंसी इज आउटलाइन टू बी 50,000 अराउंड। जी हाँ, 50,000 के समथिंग ASM में भर्ती आनी है दोस्तों। द नोटिफिकेशन बिल रिलीज, जी हाँ, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि और भी जो अपडेट आएंगी इससे लेकर। तो टोटल जो वैकेंसी हो गई यहाँ पर 60,000 भी थी दोस्तों, और प्लस यहाँ पर जो हुई है ये 50,000 के समथिंग ये है दोस्तों। तो टोटल की अगर हम बात करें तो 1,00,000 प्लस हो रही है दोस्तों, जो रेलवे में जो अभी भर्ती आनी है, जो कि TC टिकट कलेक्टर और यहाँ पर गुड्स गार्ड और ASM में होनी है दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी जो अपडेट आपको हमारे हम तक आएगी हम आपसे अभी तक पहुंचा देंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।